For Bollywood news update, please subscribe our YouTube channel Bollywood Dangal, and please don't forget to press bell icon. Sir, look center. Look center. Sir, left side, left side. Left side. Look center. मैम अभी यहाँ पे यहाँ पे अरे खाओ ना खाओ खाओ क्या हुए खाते हैं खाते हैं हाँ और सामने देखने का मार्ग मैम यहाँ पे चोली पूरी हो गई अरे नकली अरे ताम दे क्या लगा चोली पूरी आ गई जा ले ये लोग इतनी चीज़ है काहे के लिए तिवारी वाला पैसा दे तेरे को मैडम पूरी उठा लीजिए अरे रुक ना वो अरे प्रवीण भाई प्रवीण भाई अरे उठा लीजिए ना खाली पकड़ लो हाथ में अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज उठा लीजिए हाँ वो प्रवीण भाई थैंक यू बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी बट इतनी ज़्यादा पसंद आएगी और नंबर्स इतने होंगे ये सोचा नहीं था सो ऑब्वियसली बहुत बहुत खुश हूँ आई एम रियली थ्रिल्ड एंड ओवरवेल्म्ड और मैं एक्चुअली बहुत सारे थिएटर जाकर भी रिएक्शन लेके आई हूँ आई थिंक सिचुएशनल कॉमेडी अगर होती है या कॉमेडी स्पेस में होती है तो ऑडियंस के रिएक्शन सुनाई देते हैं सो मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है मैं बरेली की बर्फी के टाइम पर भी गई थी और ऑडियंस के साथ बैठकर पूरी फिल्म देखी थी इस बार भी मैं गई मतलब मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में भी गई और सिंगल स्क्रीन में भी गई और रिएक्शन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था जब वो तालियां हंसी की आवाज़ सीटियां वो सब जब सुनने को मिलती है तो आई थिंक दैट फीलिंग इज़ प्राइसलेस आई थिंक फिल्म को लेकर एक मुझे कमेंट जो है वो ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा दिखा है दैट दिस फिल्म मेड माई डे या मेरा दिन आज बहुत बुरा जा रहा था बट आई सॉ दिस फिल्म एंड मेड माई डे सो आई फील ये फिल्म जो है वो थोड़ी फील गुड फिल्म है और हमारा मोटिव ये था कि हम एंटरटेन करें और हंसाएं ऑडियंस को और अगर उनका दिन बन रहा है इस फिल्म से सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अच्छा कृति आपको तमिल की बुलाएं
दमयंती मुझे नाम पसंद नहीं है जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा, तो आप रश्मि बुलाओ। कृति तो रोज बुलाते हो, आजकल रश्मि बुला सकते। आई थिंक फिल्म में हमने काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बाहर निकाला है आज के यूथ का, एक सोशल मैसेज भी थोड़ा सा देने की कोशिश की है हंसते खेलते हुए, तो वो काफ़ी ऑडियंसिस ने अप्रिशिएट किया है जैसा कि मैंने रिव्यूज़ देखे हैं। तो आई फील इट्स नाइस दैट पीपल आर फीलिंग दैट मैसेज यू नो आफ्टर वॉचिंग अ कॉमेडी फिल्म, so that's nice that they're actually getting that message of live and let live, I would say. ये बारी स्टार्ट three more, yeah. Yeah, but this year it started well. Yeah. It started on a very sweet note, which is nice. And the other three films are also very different for me as characters and also as stories, and their flavors. They're very different. So I'm really looking forward to the audience's reaction. I think as an actor, जब आपके लिए characters अलग होते हैं, तो आप आपको जानना होता है कि लोगों को कौन से कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं या लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं। सो वेदर देयर इज अर्जुन पटियाला और देयर इज हाउसफुल और देयर इज पानीपत, दे ऑल थ्री वेरी डिफरेंट फ्रॉम लुक्का छुपी ऑल्सो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल रिएक्टिंग। वेल वो तो जब आप देखोगे तब पता चलेगा, बट हाँ मैंने भी पहले सोचा था कि यार मैं पंजाबी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, महाराष्ट्रियन गर्ल, काफ़ी पोल्स अपार्ट है, कल्चर्स भी बहुत अलग हैं, पहनावा बहुत अलग है, बट एक्चुअली पहनावा जब आता है तो थोड़ी बहुत वो फीलिंग वैसे ही आ जाती है। तो मराठी साड़ी, नथ, खोपा और वो टीके के साथ मैंने जब खुद को पहली बार देखा था तो मुझे भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था दैट आई कुड लुक लाइक दैट, and you know that slight Marathi flavor in the dialogues, or hai to Hindi film, Marathi film nahi hai, but aage piche thode thode humne dialect ke liye flavor ke liye kuch Marathi dialogues hain, so the whole environment of that set is Maharashtrian, is you know of the Marathas time, so when you are in that, on that set, you just feel it, you feel a part of that world, and Ashu sir is amazing, so I'm liking the magic that he's doing around. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See, I mean, I personally don't believe a lot in Women's Day, and I feel like there's so many things happening around. There's no point of celebrating Women's Day on one day. I think it's like womanhood should be celebrated on all 365 days. And is there a Men's Day? There is or there isn't. Even if there is, we all don't know. So I feel like the day we have Men's Day is when maybe we should celebrate Women's Day also. Otherwise, what's the point of it? Oh, y'all. My dad's a CA, so I'm sorted. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Pass on, kyun kiya fir? Pujo. One second. Bhool gaye. तो आप हर बार अपना क्वेश्चन भूल जाते हो। Well, I'm very, very happy with the appreciation that's coming in, whether it is to do with the film or the performance. I think there are certain roles that sort of, you know, allow you to perform enough for people to sort of notice. I think Bareilly Ki Barfi was one such role, and maybe I get a feeling with the reviews and people's reaction that this might be another one of those. Yeah, I think it feels good as an actor when you're just appreciated and noticed in terms of,
your performance and your work that you've done, because every film that you do, you want to grow as an actor. At least that's my motive. I want to like keep growing as an actor. So for me, it's very important if that growth is visible or not. And I'm hoping that people can see it. Dinesh, आपके काफी अच्छे मित्र हैं. उन्होंने गणित किए हैं कि 100 करोड़ हो जाएंगे. मैं बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ, तो मैं तो ये सब पूछती नहीं हूँ. मेरी खुद की नज़र लग जाती है. हाँ. तो मैंने उनसे कोई बात नहीं करी है इस बारे में. जो भी सक्सेस होगी उसमें मैं बर्फ़ी तो बांटूंगी, क्योंकि बर्फ़ी से सक्सेस काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ी चेंज हुई है सक्सेस की डेफिनेशन मेरी लाइफ में. बरेली की बर्फ़ी विल ऑलवेज बी स्पेशल, एंड सिंस आई वाज द बर्फ़ी, आई थिंक आई डू हैव सम राइट ऑफ बांटोइंग बर्फ़ी. For Bollywood news update, please subscribe our YouTube channel Bollywood Dangle, and please don't forget to press bell icon.